नमस्कार दोस्तों, भारतीय फुटबॉल टीम सितंबर से नए कोच के साथ भाई अपने नए कैंपेन की शुरुआत करने जा रही है और अभी कुछ ही दिनों के अंदर भाई हमारी नई टीम की अनाउंसमेंट भी सामने आ जाएगी। क्योंकि भाई देखो, हमारे जो नए कोच की फिलॉसफी है ना, उनको भैया जो इंटरेस्ट है वो यंग खिलाड़ियों के साथ खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, एक नई टीम बनाने में इंटरेस्ट है। तो मैंने सोचा भाई क्यों ना आज इस वीडियो के अंदर कुछ उन खिलाड़ियों के बारे में बातें करी जाए जिनको हम मैनोलो मार्केज के अंडर में इंडियन फुटबॉल टीम के अंदर खेलते हुए देख सकते हैं। और ये वो खिलाड़ी है जो भाई एक्चुअल में टीम के अंदर आना डिजर्व भी करते हैं। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े भाई, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है भाई, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो भाई अच्छा लगता है दिन को। तो भाई अब चलते हैं देखो वीडियो की तरफ। वैसे तो भाई देखो, मैं इस बारे में पहले भी कुछ एक दो वीडियोस बना चुका हूं, इन खिलाड़ियों के बारे में बातें कर चुका हूं, लेकिन भाई अब तो हमारे कोच ही वो हैं जिनको भैया नए खिलाड़ी टीम के अंदर लाना पसंद है, जिनको यंग प्लेयर्स को डेवलप करना पसंद है। और अभी तक तो ये ISL के अंदर भाई जो खिलाड़ी इनको मिल रहे थे उन्हीं को डेवलप कर रहे थे, लेकिन अब तो भाई इनके पास नेशनल टीम के वो सभी बेस्ट खिलाड़ी हैं जो कोई भी कोच अपने पास लेना चाहेगा। तो ऐसे में भाई यहाँ से अब देखने वाली बात ये है कि मैनोलो मार्केज किन खिलाड़ियों के साथ जाते हैं। तो भैया देखो, सबसे पहले अगर मैं अभी गोलकीपर्स के ऊपर बात करूँ ना, तो अभी करंट में हमारी नेशनल टीम के अंदर जो भैया फर्स्ट चॉइस गोलकीपर है वो तो अभी करंट में गुरप्रीत सिंह संधू ही हैं। और अभी जब तक ये रहने वाले हैं ना, तो भैया मोस्ट प्रोबेबली गुरप्रीत सिंह संधू ही आपको एज अ फर्स्ट चॉइस गोलकीपर टीम के अंदर नजर आएंगे। लेकिन इनके अलावा भाई अभी देखने वाली क्या बात है कि मैनोलो मार्केज साइड बाय साइड कौन से गोलकीपर्स को तैयार करते हैं जो गुरप्रीत सिंह संधू के बाद नेशनल टीम में जुड़ेंगे आके। तो भाई देखो, मैनोलो मार्केज की जो फिलोसफी है ना भाई, उनको वो खिलाड़ी ज्यादा पसंद है जो बॉल के ऊपर कंफर्टेबल हो, और इन गोलकीपर्स भी कुछ उसी टाइप के लेना पसंद करते हैं। हैदराबाद FC और FC गोवा में किसी तरह इन्होंने काम चलाया है, लेकिन अभी अगर ये नेशनल टीम के अंदर है तो भैया देखो ऑब्वियसली बात है, गुरप्रीत सिंह संधू के साथ साथ ये जो भी सेकंड चॉइस गोलकीपर बनाएंगे वो ये चाहेंगे बॉल के ऊपर कंफर्टेबल हो। और ऐसे में अगर कोई नाम सामने आ रहा है तो भाई फोरबा लचैम्पा, मुझे ऐसा लगता है कि मैनोलो मार्केज फोरबा लचैम्पा के साथ जाएंगे एज अ सेकंड चॉइस गोलकीपर, और हम फोरबा लचैम्पा को आगे आने वाले टाइम में नेशनल टीम के अंदर भैया काफी मतलब देखने वाले हैं गोलकीपर की पोजीशन में। क्योंकि फोरबा लचैम्पा भाई ISL के अंदर मुंबई सिटी FC के गोलकीपर हैं, और मुंबई सिटी FC का जो प्लेइंग स्टाइल है वो भी कुछ उसी तरीके का ही है जैसा मैनोलो मार्केज खिलाते हैं। तो ऐसे में भाई गोलकीपर्स के अंदर आपको गुरप्रीत सिंह संधू के साथ सेकंड चॉइस गोलकीपर अगर कोई देखने को मिल सकते हैं भाई, वो फोरबा लचैम्पा मुझे ऐसा लगता है हो सकते हैं। विशाल केत का भी ऑप्शन है टीम के पास, अमरिंदर सिंह भी हैं भाई देखो एक्सपीरियंस के तौर पर, स्टार्टिंग में शायद आपको दिख भी सकते हैं कभी कभी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर मैनोलो मार्केज के फ्यूचर का सोच के चल रहे हैं तो उस हिसाब से भाई फोरबा लचैम्पा एक वो ऑप्शन है जिनके साथ मैनोलो मार्केज शायद जा सकते हैं और इनको फ्यूचर के लिए डेवलप कर सकते हैं एज अ फर्स्ट चॉइस गोलकीपर। वहीं अगर भैया देखो डिफेंडर्स के बारे में बात करें ना, तो भाई जो मैनोलो मार्केज का प्लेइंग स्टाइल है वो कुछ इसी तरीके का है कि उनको बैक से बिल्ड करना पसंद है, और बैक से बिल्ड भाई कोई भी टीम तभी कर सकती है अगर उसके डिफेंडर्स बॉल के ऊपर कंफर्टेबल हो, एक पोजेशन पे फुटबॉल खेलने में वो काफ़ी अच्छे हो, और फास्ट बिल्डअप बनाने में वो खिलाड़ी काफ़ी अच्छे हों। तो ऐसे में भाई हमने हैदराबाद FC के अंदर भी देखा भाई, उन्होंने सना सिंह के साथ सेंटर बैक में गए, लेफ्ट बैक राइट बैक हमारे पास आकाश मिश्र और आशीष राय थे जो भैया अच्छे खासे डेवलप होकर इन्होंने नेशनल टीम में अपना डेब्यू भी किया। FC गोवा में भी भाई ये जय गुप्ता के साथ गए, जय गुप्ता को फिर हमने नेशनल टीम के अंदर भी देखा। तो ऐसे में भैया अगर नेशनल टीम की बात करें ना, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं मैनोलो मार्केज के पास जिनको ये खिलाना पसंद कर सकते हैं। अगर देखो सेंटर बैक की बात करें तो संदेश झिंगन और अनवर अली का ऑप्शन तो भैया देखो फर्स्ट चॉइस है, इनके अलावा मुझे नहीं लगता शायद फर्स्ट चॉइस कोई और होंगे सेंटर बैक। बैकअप्स में यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है सना सिंह को मैनोलो मार्केज वापस ला सकते हैं नेशनल टीम के अंदर। सना सिंह के साथ साथ लालचुंग नुंगा को भी हम देख सकते हैं, मेहताब सिंह भी वैसे तो हैं क्योंकि भाई मेहताब सिंह की जो परफॉर्मेंस थी कतर के अगेंस्ट लास्ट मैच में काफ़ी अच्छी थी वो। इनके अलावा लालदीन पुया का एक ऑप्शन मुझे ऐसा लगता है हम सेंटर बैक में शायद में भी इन फ्यूचर कभी देख सकते हैं अगर मैनोलो मार्केज कोच रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक, क्योंकि लालदीन पुया भी भैया जमशेदपुर FC के अंदर काफ़ी इंप्रेस कर रहे हैं सेंटर बैक की पोजीशन पर। तो ऐसे में सेंटर बैक्स के जो बैकअप हो सकते हैं यहाँ पर भाई वो सना सिंह हो सकते हैं, मेहताब सिंह हो सकते हैं, लाल चुंगनुंगा हो सकते हैं, लालदीन पुया हो सकते हैं, इवन और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं वैसे तो। इवन राइट बैक में भी भाई काफ़ी सारे ऑप्शन मैनोलो मार्केज रख सकते हैं, आशीष राय को उन्होंने डेवलप किया है वो राइट बैक पर अच्छा खेलते हैं, रोशन सिंह का ऑप्शन है उनके पास, MA रनावड़े का ऑप्शन है, FC गोवा में सेरिटन फर्नांडिस के साथ वो खेले हैं,
तो भाई राइट बैक में भी अच्छे खासे खिलाड़ी हैं। निखिल पुजारी तो भैया देखो खेल ही रहे हैं काफी लंबे टाइम से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैनोलो मार्केज में भी आशीष राय के साथ शायद से जा सकते हैं नेशनल टीम के अंदर राइट बैक के तौर पे, क्योंकि आशीष राय को भाई इन्होंने काफी अच्छा डेवलप किया है। और अगर आशीष राय नहीं तो इनके अलावा भाई रोशन सिंह और एम ए रनावड़े का जो ऑप्शन है ना, ये भी कुछ सिमिलर टाइप का फुटबॉल ही खेलते आए हैं। एम ए रनावड़े सर्जी लोवेरा के अंदर भाई हमने देखा है, सर्जी लोवेरा जहाँ भी जाते हैं उनको अपने साथ रखना पसंद करते हैं क्योंकि उनकी प्लेइंग स्टाइल के अंदर वो फिट हैं। और सर्जी लोवेरा का जो प्लेइंग स्टाइल है वो कुछ वैसा ही है जैसे मैनोलो मार्केज खिलाना पसंद करते हैं, बैक से बिल्ड वो भी करते हैं, बैक से बिल्ड ये भी करते हैं। तो ऐसे में एम ए रनावड़े भी फर्स्ट चॉइस राइट बैक हो सकते हैं नेशनल टीम के अंदर। इवन लेफ्ट बैक की भी बात कर लेना तो भाई लेफ्ट बैक में तो देखो मैनोलो मार्केज के पास ऑलरेडी उनके दो फेवरेट खिलाड़ी हैं, आकाश मिश्रा जिनके साथ हैदराबाद एफसी में इन्होंने काम किया, उनको डेवलप किया, फिर नेशनल टीम के अंदर हमने आकाश मिश्रा को देखा और अभी तक हैं अच्छा खेल रहे हैं। जय गुप्ता को हमने देखा एफसी गोवा के अंदर लेफ्ट बैक की पोजीशन पर, अच्छी परफॉर्मेंस दी, नेशनल टीम के अंदर आए और नेशनल टीम में भी भैया अच्छी परफॉर्मेंस ही दी जितना अभी तक हमने उनको देखा है। तो ये दो चॉइस तो है ही उनके पास आकाश मिश्रा और जय गुप्ता की। इनके अलावा अगर एक्सपीरियंस भी अपने साथ वो रखना चाहते हैं तो सुभाशीष बोस को भी भैया हम देख रहे हैं, और एक्सपीरियंस के तौर पर सुभाशीष बोस आ सकते हैं मैनोलो मार्केज के प्लान के अंदर अगर ज़रूरत पड़ती है तो। इवन अगर यहाँ पर भाई मैं एक स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा इस लिस्ट के अंदर तो भाई वल पुया मुंबई सिटी एफसी के खिलाड़ी हैं भाई, काफ़ी वर्सेटाइल प्लेयर है, किसी भी पोजीशन पर खिला लो भाई ये कहीं पर भी खेल लेते हैं और बॉल के ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से कम्फर्टेबल हैं ये। तो भाई वल पुया को भी हम मैनोलो मार्केज के अंडर में दे सकते हैं, भले ही नेशनल टीम में ना सही लेकिन ये अंडर 23 में हमें दिख सकते हैं क्योंकि ये हर पोजीशन पे भाई कंफर्टेबल है, इनको कहीं पे भी खिला लो। वही अगर भाई देखो मिडफील्ड की बात करें ना तो भाई अभी करंट में हमारी इंडियन फुटबॉल टीम की जो मिडफील्ड है ना भाई देखो अच्छे खिलाड़ी हैं हमारे पास, मतलब काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं। अब चाहे भाई वो जैक्सन सिंह हो, अपुया हो, दीपक तांगरी हो जो डिफेंसिव मिडफील्ड में आ जाते हैं, इवन सुरेश सिंह हो, इनके अलावा भी भाई सहाल अब्दुल समद हो गए, ब्रांडन फर्नांडिस हो गए, अनिरुद्ध थापा हो गए या और भी कई खिलाड़ी हैं, इन सबको भाई हम नेशनल टीम के अंदर काफ़ी लंबे समय से देखते आ रहे हैं। लेकिन भाई मैनोलो मार्केज थोड़े से यहाँ पर यंग खिलाड़ी ला सकते हैं और उनको ला सकते हैं जो फास्ट मूवमेंट बनाते हैं और फास्ट बिल्डअप करने में काफ़ी अच्छे हैं। तो भाई अभी उनमें से कौन कौन से ऑप्शन हैं, देखो भाई मैनोलो मार्केज हैदराबाद एफसी के अंदर मोहम्मद यासिर के साथ काम कर चुके हैं और उसी मोहम्मद यासिर को वो एफसी गोवा के अंदर लेकर आए हैं और उनसे वैसा ही काम करवा रहे हैं जैसा हैदराबाद एफसी में करवाया। तो मोहम्मद यासिर को भी भाई हम इन फ्यूचर नेशनल टीम के अंदर देख सकते हैं। इवन हितेश शर्मा को भी भाई मैनोलो मार्केज ने ही डेवलप किया था हैदराबाद एफसी के अंदर, अभी वो करंट में शायद ओडिशा एफसी में खेल रहे हैं। तो हितेश शर्मा का भी एक ऑप्शन है जो भाई बॉल के ऊपर काफ़ी अच्छे हैं और मे भी अगर नेशनल टीम में ना सही तो भाई अंडर 23 में हम देख सकते हैं क्योंकि अंडर 23 को भी भैया मैनोलो मार्केज ने ही संभालना है। इवन इनके अलावा भाई केरला ब्लास्टर्स के भैया यंग खिलाड़ी, उनके यंग स्टार विबिन मोहनन को भी हम देख सकते हैं, अंडर 23 का हिस्सा तो बनी रखे हैं वो, नेशनल टीम में भी भाई वो मुझे ऐसा लगता है जल्द से जल्द आ जाएंगे क्योंकि मिडफील्ड भाई काफ़ी अच्छा खेल खेल रहे हैं वो केरला ब्लास्टर्स की टीम के लिए। इवन विबिन मोहनन के साथ साथ भाई हम केरला ब्लास्टर्स के मोहम्मद आयमन को भी हमने अंडर 23 की टीम में देखा और मुझे ऐसा लगता है मैनोलो मार्केज भाई मोहम्मद आयमन के साथ भी जा सकते हैं, नेशनल टीम में भी ना सही अंडर 23 के प्लान तो जरूर रहेंगे और इनको फ्यूचर के लिए डेवलप करेंगे ताकि, क्योंकि भाई देखो यही वो खिलाड़ी हैं जो नेशनल टीम के अंदर अभी आपको 1-2 साल बाद सारे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो मिडफील्ड का भाई हमारा जो पूल है ना, जैक्सन सिंह, अपुया, दीपक तांगरी, सुरेश सिंह, सहाल अब्दुल समद, ब्रांडन फर्नांडिस, मोहम्मद यासिर, हितेश शर्मा, विबिन मोहनन, भाई ऐसे ऐसे खिलाड़ी अगर हमारे पास मिडफील्ड में इतने सारे ऑप्शन होंगे ना तो मैनोलो मार्केज को भैया काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाली है और उनके पास ये बेस्ट ऑप्शंस होंगे पूरे इंडिया में से। वहीं अब विंगर्स के ऑप्शन की तरफ चलते हैं ना तो भाई अभी करंट में हमारे पास जो यंग खिलाड़ी हैं विंगर्स की पोजीशन के लिए उनमें से भाई कौन से वो खिलाड़ी हैं जो मैनोलो मार्केज जिनको डेवलप करना पसंद करेंगे और टीम के अंदर लाना पसंद करेंगे। तो भाई अभी करंट में हमने अंडर 23 में देखा पार्थिव गोगोई थे और मुझे ऐसा लगता है पार्थिव गोगोई भाई मैनोलो मार्केज के अंडर में काफ़ी जबरदस्त खिलाड़ी बन सकते हैं अगर अच्छे से काम इनके ऊपर किया जाता है और नेशनल टीम के अंदर भी हम पार्थिव गोगोई को बहुत ही जल्दी देख सकते हैं। पार्थिव गोगोई के अलावा भी भाई खिलाड़ी हैं जिनके बारे में मैं शायद पहले भी बात कर चुका हूँ कुछ वीडियोस में, जिन्होंने भाई मुझे भी काफ़ी इंप्रेस किया है और मैं चाहता हूँ नेशनल टीम के अंदर भाई देखने को मिले हमें। जितिन एमएस की भाई मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के अंदर, भाई जितना भी मैंने इनको देखा भाई मुझे तो काफ़ी इंप्रेस किया इनकी स्पीड ने। ये भैया कुछ ना ये वैसे वाले खिलाड़ी हैं कि
जिनको ना आप सरप्राइज फैक्टर के तौर पे भैया छोड़ दो पिच के अंदर, क्योंकि मैनोलो मार्केस तो भैया देखो है ही इनके गेम डेवलप करने के लिए, लेकिन अगर स्टार्टिंग में आपने सरप्राइज फैक्टर उतारने ना तो भैया आखिरी के 10 मिनट में छोड़ दो भाई, तो अपनी स्पीड दिखा, गेम खेल जाके जितना हो सके उतना कर, और ये हैरान मत होना भाई ये गोल मार भी देंगे। और ऐसे कुछ हमने इनको नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम के अंदर करते हुए भी देखा है। तो जितिन एमस, मुझे ऐसा लगता है भाई मैनोलो मार्केज को बुलाना चाहिए इनको टीम के अंदर, बाकी तो भाई आगे पता चल ही जाएगा धीरे धीरे जैसे जैसे हमें अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी। इनके अलावा भाई एडमंड लालिंडिका का ऑप्शन है, उनको तो अभी हमने देखा भी है टीम के अंदर और जितने दिखे भाई काफ़ी अच्छे दिखे। मतलब एडमंड के अंदर भाई वो एक हंगर नज़र आ रही थी पिच के ऊपर जो हमें एक्चुअल में अपने नेशनल टीम के खिलाड़ियों में देखनी चाहिए, और यही चीज़ काफ़ी इंप्रेसिव है उनकी। और मैनोलो मार्केज भैया देखने इनको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं नेशनल टीम के अंदर। इवन एडमंड के अलावा भाई देखो एक और खिलाड़ी की अगर मैं बात करूँ ना तो भाई मोहम्मद अन के डेविड की मैं बात करना चाहूँगा भाई, काफ़ी इंप्रेसिव खिलाड़ी हैं ये भी नेशनल टीम के, तो शायद अभी इनको कॉल अप भी मिला था। और मुझे ऐसा लगता है भाई मैनोलो मार्केज तो भैया चाह रहे होंगे भाई ये तो मेरे को पूरा एक वो मिल गया, गोल्डन पूल मिल गया सारे अच्छे खिलाड़ियों का, और वो देखना इनको धीरे धीरे टीम के अंदर लेकर आएंगे। डायरेक्ट नेशनल टीम में ना सही, अंडर 23 में तो भैया वो इनको खिलाएंगे ही अपने साथ, इनकी गेम डेवलप करेंगे, अपनी फिलोसफी घुसाएंगे इनके अंदर, और वही फिलोसफी के साथ वो इनको नेशनल टीम के अंदर लेकर आएंगे और नेशनल टीम को काफ़ी फायदा मिलेगा। और लास्ट में भाई देखो अगर फॉरवर्ड खिलाड़ियों की बात कर लेना, क्योंकि हमारे कप्तान साहब सुनील छेत्री तो भाई देखो रिटायर हो चुके हैं, तो किसी नए स्ट्राइकर को भैया जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। वैसे तो भैया हमारे पास सीनियर खिलाड़ी भी मौजूद हैं, चांगते से काफ़ी उम्मीदें हैं सभी को कि भैया ये अगले सुनील छेत्री वाला काम करके देंगे, और हो सकता है वो करके भी देंगे क्योंकि भैया जिस तरीके की फॉर्म में वो चल रहे हैं। इनके अलावा अगर भाई मैं देखो यंग खिलाड़ी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, विक्रम प्रताप सिंह का एक ऐसा ऑप्शन है जो मुझे ऐसा लगता है इन फ्यूचर काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं स्ट्राइकर की पोजीशन के लिए। गुरकीरत सिंह का ऐसा ऑप्शन है जो मुझे ऐसा लगता है भाई स्ट्राइकर की पोजीशन के ऊपर भाई वो काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि गुरकीरत सिंह की जो स्ट्राइकिंग है ना, चाहे वो इनसाइड द बॉक्स हो चाहे वो आउटसाइड द बॉक्स हो, भाई वो बस लगाना पसंद करते हैं और यही चीज़ उनकी काफ़ी अच्छी है। इवन हमने हैदराबाद एफसी के अंदर देखा था भाई मैनोलो मार्केज ने ये वाला काम लिस्टन कोलासो से भी करवाया था, और लिस्टन कोलासो को भैया अगर आप मैनोलो मार्केज के अंडर में एक अलग ही फॉर्म में देखो तो हैरान मत होना, क्योंकि भाई मुझे ऐसा लगता है इगो सिमेक लिस्टन कोलासो को उनकी जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से यूज़ नहीं कर पाए, और मैनोलो मार्केज को पता है कि लिस्टन कोलासो को किस तरीके से यूज़ करना है। तो लिस्टन कोलासो नेशनल टीम के अंदर आपको फॉरवर्ड्स में भाई एक अलग ही रोल में नज़र आ सकते हैं। इवन आई लीग के टॉप गोल स्कोरर भाई लाल बियानिया, इनको भी आप नेशनल टीम के अंदर देखना जरूर देखोगे, क्योंकि भाई मैनोलो मार्केज का जो प्लेइंग स्टाइल है, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, जिस तरीके का उनका प्लेइंग स्टाइल है, जिस तरीके के उनको यंग खिलाड़ी चाहिए, जिस तरीके के उनको फास्ट बिल्डअप वाले खिलाड़ी चाहिए, ये सब वही खिलाड़ी हैं और ये उनके प्लान के अंदर एकदम फिट बैठते हैं। देखना धीरे धीरे जैसे ही मतलब विंडोज़ आती जाएंगी ना, 1, 2, 3, 4 जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, ये सारे खिलाड़ी आपको धीरे धीरे नेशनल टीम के अंदर फिट होते हुए नजर आएंगे। पहली बारी में ना सही, दूसरी विंडो, तीसरी विंडो, चौथी फीफा की विंडो जो भी आएगी एएफसी के क्वालिफायर्स तक ना, आपको इनमें से 90% खिलाड़ी देखने नेशनल टीम के अंदर ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि भैया जो मैनोलो मार्केज की फिलोसफी है ना, ये सारे उसी फिलोसफी के अंदर एकदम फिट बैठते हैं। तो ऑल राइट गाइस, यार आज की वीडियो में इतना ही। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ भाई आपको क्या लगता है वो कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप नेशनल टीम में मैनोलो मार्केज के अंडर में खेलते हुए देखना पसंद करोगे, कमेंट बॉक्स में भाई बता सकते हो। और वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे की वीडियोज़ आप लोगों के पास आती रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।